और यहाँ पे गाड़ी का जो है मिरर है, साइड मिरर, तो वो भी टूट गया है। यहाँ पे देख ऐसे लग रहा है जैसे ना तरखान कोई अलमारी वगैरह बना रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है। तो इस तरह लग रहा है जैसे बमन बाम की वो सीरीज नहीं आई थी डंडोरा, तो उसमें जो होता है जिसकी लॉटरी लगती है, उस तरह का लग रहा हूँ बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो अभी अभी मैं उठाई हूँ तो कंबल में से उठने का दिल ही नहीं कर रहा, तो बाहर काफी ज्यादा सर्दी थी रात भी, तो अभी मैंने निकल के बाहर देखा ही नहीं है तो सर्दी कितनी है। तो अभी मैं कंबल लेकर अंदर पड़ा हुआ हूँ तो दिल ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। तो आज काफी दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग करने लगा हूँ, दिल ही नहीं कर रहा था तो बड़े दिनों के बाद आज मैंने कहा आज व्लॉग लाजमी डालना है। रेडी हो गया। हाँ जी गाइस, तो अभी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, तो चाय पीने लगा हूँ। जो आज चाय अभी गर्म करके लेके आया हूँ। तो इतने दिनों से आप सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो आज व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतने दिनों से ना आने की वजह यही है कि बस ना थोड़ा सा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अपने व्लॉग्स को बेहतर करने की कोशिश करूँ, कोई कंटेंट में चेंज लाऊं। मुश्किल काम था तो अभी शायद मैं ना कर सकूं, क्योंकि अभी वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि लाइफ जो जिस तरह से लाइफ गुजर रही है ना मेरी, तो व्लॉग जो मैं कर रहा हूँ लाइफस्टाइल व्लॉग है, तो जो लाइफ मेरी गुजर रही है तो मैं वही दिखा सकता हूँ, एक्स्ट्रा अभी मैं नहीं दिखा सकता, तो मुश्किल है। तो जो भी दिखा रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ तक तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, तो आगे भी इंशाल्लाह आप दिखाएंगे। तो चाय मेरी ठंडी हो जा रही है, पहले मैं चाय पी लूँ। तो खैर अभी मैं रजाई से जब बाहर निकला हूँ अपने कंबल से, तो बाहर मैंने निकल के देखा है बाहर अभी भी वो बादल आए हुए हैं कि धुंधा के बादल है, तो सूरज नहीं निकला हुआ, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। कल जो काफी ज्यादा सर्दी थी, आज जो है वो सर्दी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। अभी मैं बाहर बकायदा निकला नहीं हूँ, तो अभी अंदर ही है, वो डबल जैकेट मैंने पहन ली है, जर्सी भी नीचे पहन ली है। तो ये देखें जी, बादल है कि धुंध है, तो वो हुई है। और यहाँ पे गाड़ी का जो है मिरर है, साइड मिरर, तो वो भी टूट गया है। तो ये जो टूटा है, ये गन्नों वाली ट्राली थी, वो बड़ी तेजी से आ रही, तो उसका जो गन्ना है तो वो लग गया इसे जाते जाते, तो उसने तोड़ दिया सारा मेरा शीशा। तो इसे भी चेंज करवाएंगे, देखता हूँ आज टाइम मिला तो आज करवाएंगे, नहीं तो फिर करवाना लाजमी, क्योंकि इसके बगैर जो है गाड़ी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इसे चेंज करवाएंगे। वैसे उधर वाला पहले हमने चेंज करवाया था, तो वो घर में किसी ने तोड़ दिया था, तो ये जो है ये ट्राली की वजह से टूट गया है, ओरिजिनल था मेरा ख्याल इसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी दही लेने के लिए, तो यहाँ पे दुकान है, तमाम से दही लेके आते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, दही दो कितने रुपये किलो? 100 दे कर दो किलो। दही भी लेके आ गया अभी मैं। लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये इस तरह घूम क्यों रहा, तो समझ नहीं आ रही कि ब्लॉगिंग में क्या करूं, तो सोच सोच के बस हो गई है, क्योंकि घर में मेरे लिए करने को होता कुछ नहीं है, तो मैं आपको डेली ब्लॉग्स कैसे दिखाऊं, तो वही सोच विचार कर रहा हूं कि क्या कंटेंट में चेंज लाऊं कि जो डेली ब्लॉग्स भी आते रहे और आप इंजॉय भी करते रहे, आप बोर ना हो, तो कोशिश जारी है। तो देखेंगे, उम्मीद है चैनल बरकरार रहेगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, तो देखते हैं कुछ सोचते हैं फिर अभी। तो अभी इसके साथ कुछ करके देखने लगे हैं, तो अभी देखते हैं ये जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। तो वैसे मैंने लगा के एल्फी देखी थी, एल्फी के साथ तो नहीं हो रहा।
तो कोई नया जुगाड़ लगा के देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे और इसके यहाँ पे एक लकड़ी फंसा के, तो इसके साथ ये यहाँ पे ऐसे टिक जाएगा। तो नीचे से वेल्डिंग का कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये सोचा जा रहा है, तो अभी करके देखते हैं। पहले मैं लकड़ी ढूंढ लूँ कोई इस तरह की। अभी यहाँ पे देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो ये पड़ा प्लग, तो ये पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी रखता हूँ साथ। और भी कुछ चीज़ देखते हैं इसके अंदर, देता हूँ अगर इसके अंदर से मिल जाए। ये कुंडी खोल लेते हैं। तो इसके अंदर ये बांस का पड़ा, लेकिन ये मोटा ज्यादा, तो ये भी नहीं काम आएगा। अभी किस चीज़ से काम चलाएं। तो ये लकड़ी मिली है, तो इसे कोशिश करेंगे ब्रीक काट के ना, तो कुछ करने की। तो अभी ये मैंने प्लग रख के देखा, तो अभी देखते हैं क्या बनता है इसका। यहाँ पे इस तरह से नहीं, ये ना यहाँ पे फंस जा रहा, तो इसका कुछ करते हैं, ये तो काम नहीं आएगा। तो इससे तो काम नहीं चला, लकड़ी को अभी पतला करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसे काटने लगा हूँ, ये मिला है बांस का डंडा, तो अभी इसे काटते हैं यहाँ पे रख के। तो अभी ये कट चुका है, तो अभी इसे रख के देखते हैं। ये थोड़ा सा रहता कटने वाला, तो अभी मैं देख लूँ ना साइज मेजरिंग कर लूँ। मतलब यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से फिर होगा। तो अभी जो हम काम कर रहे थे तो वो हो गया बिल्कुल फेल। तो अभी इसका कोई और हल सोचना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये नया ही लगेगा, लेकिन अगर कोई ये जुगाड़ लग गया तो फिर इससे काम चला लेंगे। तो अभी कोशिश जारी है। ये जुगाड़ जो है अभी काम थोड़ा सा आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लटक तो गया, तो अभी इसे पक्का करते हैं। तो ये देखें जी, अभी इस पे फंस चुका है, तो इसे अभी पक्की तरह से करते हैं, कोई काम पक्का जुगाड़ लगाते हैं। तो अभी जो है इतना सा जुगाड़ कर लिया है, तो ये जुड़ चुका है अभी तकरीबन, तो नहीं रहा, तो इसके ऊपर काली टेप कर देंगे तो काम ठीक हो जाएगा। और ये शीशा हमारा लग चुका है। तो अभी मैं यहाँ से इसका एंगल देख रहा था, तो एंगल भी ठीक आ रहा है और जुड़ भी चुका है, तो अब ठीक है, तो इतना सा कोई नहीं है। खैर है, यहाँ पे देख ऐसे लग रहा है जैसे ना तरखान कोई अलमारी वगैरह बना रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है। तो हुआ क्या है, ये शीशा हमने लगाना था, उसके लिए ये इतना सारा काम चल रहा था। इसके लिए अभी मैंने काली टेप भी ऊपर लगा दी है, तो अभी ये ज्यादा महसूस नहीं होगा कि शीशा ठीक किया हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह अब ज्यादा पता नहीं लगेगा कि ठीक किया कि नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को पता लगेगा जिसे मैंने दिखाया है। तो बिल्कुल भी ठीक हो चुका है। उजार उठा के उनको जहां से उठाया वहीं पे रख देते हैं अभी। तो मैं खाने लगा हूँ दोपहर का खाना, तो आज पकाया चिकन पुलाव के बिरयानी है, पता नहीं खा के पता चलेगा। अभी हम जाने लगे हैं गाँव दूध लेने के लिए, तो बाहर सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से मैंने मफलर लाया तो वो भी लपेट लिया है। तो इस तरह लग रहा है जैसे पवन बाम की वो सीरीज नहीं आई थी डंडोरा, तो उसमें जो होता है जिसकी लॉटरी लगती है, उस तरह का लग रहा हूँ बिल्कुल ही। तो अभी चलते हैं, तो जाके लेके आते हैं दूध। तो मुजम्मल भी आ गया, इधर दिखा, वो तो दिखा, मैंने अपना दिखाया, चेहरा तो दिखाओ यार अपना, दिखा दो सही। मुजम्मल अभी चरमा रहा है, पता नहीं क्या वजह से। तो आप मेरा देख ले, पवन बाम की जो अबू बनता वो डंडोरा ज्यादा लग रहा है। तो अभी हम जाने लगे गाँव, तो काफी ज्यादा सर्दी हो गई है। अरे भाई ठंड बहुत ज्यादा है आज तो। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं गाँव की तरफ, तो यहाँ पे ठंड उससे भी ज्यादा पड़ गई है जितनी समुद्री में थी। तो अभी मैं जो शूज है तो वो वैसे ही बगैर सॉक्स के पहन के आ गया हूँ। तो इस जगह जो है हमारी जो कंटस है उसका शीशा यहाँ पे टूटा था, तो यहाँ से ट्राली आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे उतार लिया गाड़ी, लेकिन फिर भी ट्राली का जो कन्ना था ना वो लग गया। अभी हम आ गए हैं गांव तो दूध लेने के लिए, और यहाँ पे अभी बैठ के आग जो है सेक रहे हैं। तो सर्दी काफी ज्यादा हुई है, तो अभी दूध मिला नहीं है, तो हमने सोचा है बैठ के आग ही सेक लेते हैं। अभी गांव से दूध लेके वापस आ गए, तो इसे भी अभी उतार लेते हैं। आज वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तो उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर पुराने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी सब्सक्राइब करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।